चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल स्टूडेंट कैन आई हेल्प यू। कैसा बच्चे लोग सारे? चलिए स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो एसएससी 10+2 एग्जामिनेशन, या आप इसको CHSL नाम से भी जानते हैं। 10+2 एग्जामिनेशन की बेस्ट स्ट्रेटेजी आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। नियर अबाउट 60 डेज का स्टडी प्लान हम डिस्कस करने वाले हैं और स्पेशली आज का वीडियो बिगिनर्स के लिए है जो कि इस एग्जामिनेशन को पहली बार दे रहे हैं या फिर 11th और 12th में है, 12th के जस्ट बाद एसएससी का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, एसएससी सीएचएसएल का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, तो आप बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं पूरा स्ट्रेटजी पूरा गेम प्लान स्पेशली बिगिनर्स के लिए बताना चाहूंगा। क्योंकि देखिए, जो पुराने एस्पिरेंट वगैरह हैं उनको आइडिया है कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, कैसे स्टडी करनी है, लेकिन जो बिगिनर्स हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं आफ्टर 12th ही, उन बच्चों के लिए ध्यान में रखते हुए मैं बिगिनर लेवल से स्टार्ट करूंगा आज का वीडियो। जो बच्चे एडवांस में वो भी देख सकते हैं। 60 डेज का गेम प्लान, जैसे कि आपको पता है एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन आपका 2021 में कंडक्ट होने वाला है। नोटिफिकेशन का मैंने पहले से ही वीडियो बना दिया है, आप एसएससी सीएचएसएल 2021 बाय सुनील अधिकारी डाल के सर्च कर सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगा, राइट। चलिए देखिए, सिंपल से 5 पॉइंट की स्ट्रेटेजी होने वाली है। उससे पहले मैं आपको सबसे पहले जानना जरूरी है कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है। देखिए, नियर अबाउट 4 सेक्शन आपको फेस करने पड़ेंगे। यहां पर प्री एग्जामिनेशन होता है, फिर आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होता है, सीएचएसएल में मेंस एग्जामिनेशन नहीं होता है, राइट। तो यहां पर जो प्री एग्जामिनेशन है उसकी हमें अच्छे से स्ट्रेटजी बनानी है। 4 सेक्शन होते हैं, पहला होता है इंग्लिश लैंग्वेज का, क्वेश्चन आते हैं आपके 25 मार्क्स, रहते हैं 50। जनरल इंटेलिजेंस अगेन सेम पैटर्न, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको हम मैथमेटिक्स बोलते हैं, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस जिसको आप जीके बोल सकते हैं, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स। 1 आवर का टाइम मिलता है चारों सेक्शंस को अटेम्प्ट करने के लिए। नेगेटिव मार्किंग 0.50 की होती है। सिंपल है, राइट। तो ये पैटर्न हमने समझ लिया है, अब इसी पैटर्न के बेसिस पर हमें स्ट्रेटजी बनानी है इस एग्जामिनेशन को विद इन 60 डेज में क्रैक करने की, राइट। तो अगर आप पहली बार भी तैयारी कर रहे हैं तो आप अच्छे से स्ट्रेटजी बनाकर 60 डेज में इस एग्जामिनेशन की अच्छी खासी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। सबसे पहला मेरा पॉइंट है, यू नीड 1 गुड बुक फॉर ईच सेक्शन। बच्चे लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, आप बच्चे लोग सोचेंगे सर इंग्लिश लैंग्वेज तो हमने पढ़ी हुई है, मतलब फर्स्ट क्लास से हम 12th क्लास तक इंग्लिश ही पढ़े हुए, और स्पेशली अगर हम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट बच्चे हैं तो सर इंग्लिश तो हमारी बहुत अच्छी है। लेकिन जो इंग्लिश आपने पढ़ी हुई है 12th तक, और जिस लेवल की इंग्लिश आती है कॉम्पिटिशन एग्जाम में, स्पेशली एसएससी के सीएचएसएल एग्जामिनेशन में, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। देयरफॉर आपको हर एक सेक्शन के बच्चे लोगों को बुक होनी ही चाहिए, आपको एक गाइड आप बोल सकते हैं, एक रिफ्रेशर बोल सकते हैं, ताकि आपको पैटर्न पता लग सके, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो पता लग सके, राइट। तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जनरल इंटेलिजेंस ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको शुरुआत से ही पढ़ना पड़ेगा। आपने 12th तक एक भी चीज इसके लेवल की नहीं पढ़ी होगी, तो ये जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग ऐसा सेक्शन है जिसकी आपको शुरुआत से ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। इंग्लिश काफी हद तक आपको अंडरस्टैंड है, पता है क्या आता है क्या नहीं आता, एक स्टैंडर्ड बुक फिर भी आपको चाहिए, मैथमेटिक्स की भी एक स्टैंडर्ड बुक आपको चाहिए, और जीके जनरल अवेयरनेस में 2 चीजें हैं बच्चों, यहां पर एक करंट अफेयर्स है जो कि रिसेंट में क्या चलता रहता है, प्लस डेट जीके है जो चीजें हो चुकी है आज से बहुत साल पहले, राइट। दोनों का कॉम्बिनेशन आता है। हर एक सेक्शन की बेस्ट बुक आपको चाहिए ही चाहिए होगी। आई होप सो आपने बुक्स वगैरह परचेस कर ली होगी। इन केस अभी तक आपने बुक परचेस नहीं करी और डाउट में है, कंफ्यूजन में है, तो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक चेक कर सकते हैं। सबसे पहला लिंक है, क्लिक करना है आपको। एसएससी के जितने भी एग्जामिनेशन है या बैंकिंग एग्जामिनेशन है, सबकी मैंने वहां पर बेस्ट बुक रिकमेंड कर रखी है। हर सेक्शन की वहां पर बुक है, गाइड है, आप वहां पर सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, पसंद आती है वहीं से परचेज कर सकते हैं, नहीं तो अपने ऑफलाइन मार्केट से भी आप परचेज कर सकते हैं। प्राइसेस वगैरह कंपेयर कर लीजिए, कहां पर भी जहां पर भी आपको सस्ती मिलती है आप वहां से परचेज कर सकते हैं। लेकिन बच्चा, हर एक सेक्शन की बुक आपके पास होनी चाहिए। इस ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना कि यार इंग्लिश पढ़ी हुई है, मैथ मेरी अच्छी है, 12th तक मेरी मैथ थी तो मैं इस एग्जामिनेशन को निकाल लूंगा, नहीं, बहुत दिक्कत आने वाली है। एक स्टैंडर्ड बुक आपके पास होनी ही होनी चाहिए, यस और नो। सेकंड है, स्टडी पास्ट पेपर इज मस्ट, बहुत जरूरी है।
चारों सेक्शन के एक ही बुक आती है प्रीवियस ईयर पेपर की, वो परचेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको जब तक आइडिया नहीं रहेगा, पैटर्न का कुछ पता नहीं रहेगा, तो आप स्ट्रेटेजी नहीं बना पाएंगे अच्छे से, अपने जो इंडिविजुअल सेक्शन है उसको प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, राइट। जब मैं स्ट्रेटेजी अभी बताने वाला हूं आपको कैसे पास्ट पेपर प्लस जो बुक आप परचेज करेंगे कैसे आपको कॉम्बिनेशन में पढ़ना है, लेकिन पास्ट पेपर को पढ़ना जरूरी है। आप इंडिविजुअल हर सेक्शन की भी पास्ट पेपर्स मंगा सकते हैं, नहीं तो चारों सेक्शन के पास्ट पेपर आते हैं, आर्यन के आते हैं, किरण के आते हैं, बहुत सारे ऑथर्स हैं, सबका आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से आइडिया लग ही जाएगा, राइट। तो पास्ट पेपर और एक बुक बच्चा लोगों आपके पास होनी चाहिए, दो तीन चार बुक्स नहीं, एक बुक और पास्ट पेपर आपके पास होने ही होने चाहिए, राइट। तीसरी मेरी टिप है ओनली वन सब्जेक्ट पर डे एक्सेप्ट जीके। अब थोड़ा स्ट्रेटेजी में ध्यान देते हैं। देखिए करना क्या है, पढ़ना कैसे, जब मान के चलिए आपने इंग्लिश की बुक परचेज कर ली, आप कोई भी इंग्लिश की बुक, नीतू सिंह की परचेज कर सकते हैं, आप एसपी बख्शी सर की परचेज कर सकते हैं, जो भी आपको अपने बजट के अकॉर्डिंग लगेगी, मैंने सारी बुक रिकमेंड कर रखी है डिस्क्रिप्शन में, आपको चेक करना है, जो भी आपको सही लगती है आप वहां से परचेज कर सकते हैं। जो भी आप बुक परचेज करेंगे उसको आपको क्या पढ़ना है, दिन में एक, मतलब इंग्लिश अगर आप पढ़ रहे हैं आज के दिन, मंडे के दिन अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो पूरे दिन मंडे को इंग्लिश ही पढ़नी है, ट्यूसडे को आपको जनरल इंटेलिजेंस ले सकते हैं, रीजनिंग ले सकते हैं, फिर वेनसडे को मैथ लेनी है और आगे थर्सडे को आपको जीके लेनी है। हो रहा है बच्चों क्लियर? या फिर एक स्ट्रेटेजी और अपना सकते हैं, जो मैंने इस सेक्शन में एक्सेप्ट जीके लिख रखा है, तो अपन को क्या करना है, देखिए तीन सेक्शन पे, एक और चीज आपको जाननी जरूरी है कि यहां पर सेक्शन कट ऑफ नहीं होती, और जीके का सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है। हमेशा आपने सुना होगा एसएससी वालों के बोलते हुए कि जीके कितनी भी पढ़ लो कवर करना बहुत मुश्किल है, मार्क्स स्कोर करने बहुत जरूरी या बहुत मुश्किल आती है जीके में स्कोर करना। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, जीके को रोज पढ़िए एक घंटे, इससे ज्यादा जीके को देने की जरूरत नहीं है, रोज पढ़ना है। जीके के लिए अलग से दिन नहीं देना, मंडे ट्यूजडे वेनसडे राइट, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, और संडे को हमें रिविजन करना है पूरे वीक हमने क्या करा है, सिंपल राइट। मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, संडे को हमें पास पेपर लगा लेंगे या रिविजन कर लेंगे पूरे वीक हमने क्या पढ़ा है। और जीके जो है जनरल अवेयरनेस जो है हमें हर दिन इंग्लिश के साथ जीके, रीजनिंग के साथ जीके, मैथ्स के साथ जीके, हो रहा है बच्चों क्लियर? तो यहां पर क्या करना है, ओनली वन सब्जेक्ट पर डे, हर दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, एक ही सब्जेक्ट राइट। उससे क्या होगा, हमारा जो सिलेबस है जल्दी कंप्लीट हो पाएगा, प्लस हमारा फोकस और अटेंशन एक सब्जेक्ट में ज्यादा समय तक लग पाएगा, जो कि बहुत जरूरी है। और ऐसा भी नहीं हो रहा कि यार एक सब्जेक्ट में आज ले रहा हूं तो बीच में गैप 7 या 8 दिन का आ गया, ऐसा भी नहीं हो रहा। हम मंडे ट्यूजडे वेनसडे थर्सडे को वापस आपकी इंग्लिश रिपीट हो जा रही है, सिंपल हो रहा है। मंडे इंग्लिश पढ़नी है एक घंटा, हमें जीके पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है ट्यूसडे को, और फिर एक घंटा हमें जीके पढ़नी है, मैथ्स पढ़नी है हमें वेनसडे को, और उसके साथ हमें जीके लेनी है, वापिस से थर्सडे को इंग्लिश रिपीट हो जाएगी। ऐसे करके हमारा एक वीक में 2 सब्जेक्ट रिपीट हो रहे हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्टडी फॉर मिनिमम 4 to 6 आवर्स, बहुत जरूरी है बच्चे लोगों कि 4 से 6 घंटे मिनिमम तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, अगर आपको एसएससी सीएचएसएल का एग्जामिनेशन एक बार में ही क्रैक करना है राइट। आपको अगर 1-2 साल नहीं लगाने हैं, पहली बार में ही विद इन 2 to 3 मंथ की प्रिपरेशन में क्रैक करना है, तो कम से कम 4 से 6 घंटे, इससे ज्यादा पढ़ रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन फिर भी पढ़ाई के साथ साथ कॉलेज के साथ साथ अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 4 से 4 आवर्स to 6 आवर्स पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए पढ़ना कैसे है, टी प्लस पी के फॉर्मूले से, मतलब थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। मान के चलते हैं 4 घंटे आप पढ़ रहे हैं, 4 घंटे का टाइम कैसे भी करके आप निकाल रहे हैं, 4 घंटे में से 2 घंटे आपको बुक खोलनी है और बुक का चैप्टर वाइज आपको पढ़ना है, चैप्टर जो भी आपको पढ़ना है, जैसे मान के चलिए मैथमेटिक्स का प्रॉफिट एंड लॉस आपको कर रहे हैं तो चैप्टर की थ्योरी अच्छे से पढ़नी है, समझने हैं, क्वेश्चन करने हैं 2 घंटे तक। 4 घंटे में से 50% आपको टाइम जो है थ्योरिटिकल पढ़ने में प्लस उसको समझने में, उसके क्वेश्चन टाइप समझने में आपको गुजारने हैं, और जो 2 घंटा बचा, मतलब 4 घंटे में से 2 घंटे थ्योरी और 2 घंटा जो बचा उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू करने हैं, मतलब उस चैप्टर के जितने भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चा लोगों ये जो पेपर है वो एमसीक्यू बेस्ड आता है पूरा, आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, तो एमसीक्यू जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर है आपके लिए राइट। क्या करना है, 2 घंटे 4 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे आपको थ्योरी पढ़नी है सिर्फ और सिर्फ, और 2 घंटे सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू लगाने हैं। एमसीक्यू क्या होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के पीछे के बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं एमसीक्यू टाइप ही, वो लगाने हैं, प्लस 1 घंटा जो लास्ट का है आपका बचा हुआ उसमें आपको क्या लगाना है, उसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है उसी सेक्शन के। एग्जाम्पल के साथ चलते हैं थोड़ा राइट। मान के चलिए आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मंडे का दिन आ गया है, आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में शुरू के आपको 4 घंटे पढ़ रहे हैं,
दो घंटे जो है चैप्टर को समझने में, नाउन जो भी पढ़ रहे हैं उसके फॉर्मूले वगैरह, सेंटेंस फॉर्मेशन वगैरह समझने में, चैप्टर को आप समझ रहे हैं, एग्जाम्पल वगैरह देख रहे हैं, और जो लास्ट के दो घंटे बचेंगे उसमें से एक घंटा क्या करना है आपको, उसी चैप्टर के जितने एमसीक्यू हैं वो लगाने हैं, और लास्ट का जो एक घंटा है प्रीवियस ईयर पेपर खोलने हैं, उसमें से इंग्लिश सेक्शन खोलना है, प्रीवियस ईयर का जो पास पेपर आया हुआ है, 25 क्वेश्चन आपको एक घंटे में लगाने हैं। अब उसमें कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड नहीं होंगे, या पूरे सिलेबस में से होंगे वो चैप्टर तो, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर में पूरा आपका जितना भी सिलेबस है उसमें से आता है, लेकिन फिर भी आपको 25 क्वेश्चन वो आप सॉल्व करने हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर आप बुक परचेस करेंगे सब सॉल्व आते हैं। तो आपको एक घंटा जो लास्ट का है उसमें 25 क्वेश्चन, एक घंटा बहुत है राइट, क्योंकि आपको चार सेक्शन के लिए एक घंटा मिलता है, लेकिन अभी आप इनिशियल वे में हैं, बिगिनर हैं, तो आपको क्या करना है उस लास्ट के एक घंटे में उस 25 क्वेश्चन के सॉल्व आंसर देखकर अच्छे से मेमोराइज कर आपको अच्छे से सॉल्व करना है। पूरा बच्चों क्लियर? मैथ में भी यही कर सकते हैं, रीजनिंग में भी आपको यही करना है। पहले क्या करना है, 6 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं तो 3 घंटे थ्योरेटिकल करना है, और जो लास्ट के 3 घंटे बचेंगे उस पे एमसीक्यू ज्यादा करने हैं। एमसीक्यू को भी दो पोर्शन में हमने डिवाइड कर दिया है, एक बुक के पीछे के एमसीक्यू प्लस आपको प्रीवियस ईयर जो भी आपका सब्जेक्ट है, अगर मैथ है तो आपको प्रीवियस या जो 25 क्वेश्चन बने हैं अलग अलग सेट बनते हैं 2019, 18, 17 के, उसमें से एक सेट 25 क्वेश्चन का एक घंटे में सॉल्व करना है। आपके एडवांस क्वेश्चन भी होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, लेकिन उसका भी सॉल्यूशन देखकर समझना है। सिंपल हो रहा है, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? देखिए थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा वीडियो, लेकिन अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन को क्रैक करना अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ जरूरी है। पढ़ सभी रहे राइट, स्ट्रेटेजी जिसकी सबसे अच्छी होगी वही इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाएगा। सिंपल, चलिए प्रैक्टिस ऑनलाइन मॉक टेस्ट। आपने बहुत सारे टॉपर से सुना होगा, जब तक आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप अपने स्कोर कार्ड को इंप्रूव नहीं कर सकते या फिर बहुत अच्छी रैंक हासिल नहीं कर सकते। बात यह ध्यान में रखनी है, एक तो हमें ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाने हैं राइट, ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगाने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन ही होने वाला है। और ये कब लगाने हैं, जब आपका 75% सिलेबस कंप्लीट हो जाए। पूरा बच्चों क्लियर? जैसे ही आपका 75% सिलेबस इन दो प्रैक्टिस के साथ, मतलब थ्योरेटिकल पढ़ लिया, प्रैक्टिकल में एमसीक्यू लगा लिए, प्रीवियस ईयर कर लिए, ऐसे करके 75% तक अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, आपको स्टार्ट करना है ऑनलाइन मॉक टेस्ट। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस तो क्या, कोचिंग सेंटर्स वगैरह हैं जो कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं, वहां से आप एक्सेस ले सकते हैं, वहां से आप परचेस कर सकते हैं वो ऑनलाइन मॉक टेस्ट की सीरीज, और वहां से आप रोज क्या मॉक टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपका 75% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, उससे पहले मॉक टेस्ट लगाने का कोई लॉजिक नहीं है राइट। तो आपको 75% सिलेबस जैसे ही कंप्लीट होता है, कॉन्फिडेंस आता है खुद के ऊपर, आपको मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट करने हैं, क्योंकि वहीं से एग्जैक्ट फील आएगा आपका जो टाइम से। देखिए सब कुछ टाइम का खेल है, टाइम में आपको जितने ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे वो प्रैक्टिस आपकी मॉक टेस्ट से ही होगी। सिंपल, देखिए एक बार रिकॉल करा देता हूं आपको। सबसे पहले क्या करना है, हर एक सेक्शन के आपके पास कम से कम एक बुक तो होनी चाहिए, दो होती है तो वो आपके ऊपर है, लेकिन एक रखिए, लेकिन उसको मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करके अच्छे से करना है। हर एक सेक्शन की एक स्टैंडर्ड बुक होनी चाहिए, यहां पर इंग्लिश के लिए आप एसपी बख्शी ले सकते हैं, जनरल इंटेलिजेंस के लिए आप आरएस अग्रवाल सर की, मैथ्स के लिए भी आप आरएस अग्रवाल सर की ले सकते हैं, जनरल अवेयरनेस के लिए लूसेंट की ले सकते हैं, सबका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जो भी एसएससी के जितनी भी एग्जामिनेशन है, बैंक के जितने भी एग्जामिनेशन है, सबकी बुक मैंने रिकमेंड कर रखी राइट, आप वहां से चेक कर सकते हैं। फिर आपको पास पेपर खरीदने बहुत जरूरी हैं, चारों सेक्शन के एक पास पेपर खरीद सकते हैं, या फिर हर इंडिविजुअल सेक्शन का भी आप खरीद सकते हैं। और स्ट्रेटेजी की बात करूं तो एक दिन में एक ही सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, 4 से 6 घंटे मिनिमम आपको पढ़ना है, जिसमें 50% जो टाइम है आपको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ना है अपना जो चीजें हैं, और 50% जो टाइम है आपको वो एमसीक्यू को देना है, और एक घंटा लास्ट का प्रीवियस ईयर पेपर को देना है। 25 क्वेश्चन आपको हर ईयर के जितने भी पार्ट हैं, जितने भी आपके सेक्शंस बनते हैं, सबका देना है। बच्चों क्लियर? नेक्स्ट है आपको प्रैक्टिस करने हैं ऑनलाइन मॉक टेस्ट, कब करने हैं, 75% सिलेबस हो जाए, मेक श्योर करिएगा ये ऑनलाइन होने बहुत जरूरी हैं, ताकि आपको कंप्यूटर बेस्ड प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाए। कैसा लगा वीडियो, उम्मीद करता हूं ये टिप्स एंड ट्रिक्स आप फॉलो करेंगे राइट, फॉलो करने के ऊपर है राइट। आप 10 से 20 वीडियो देख सकते हैं जहां पर अलग अलग स्ट्रेटेजी मिलेगी, लेकिन जैसे ही आप इंप्लीमेंट करेंगे बात वहां से बननी चालू होगी राइट। तो उम्मीद करता हूं वीडियो वैल्यूएबल रहा होगा, ऐसे ही वीडियोस चैनल पर आते रहेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भेद देने का। थैंक यू सो मच।
Thank you.